महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहली परीक्षा पास कर ली है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष पद के बीजेपी उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं विश्वास मत को लेकर एनसीपी ने बीजेपी का साथ देने का फैसला किया है, जबकि शिवसेना ने विश्वास मत के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरिभाऊ होंगे स्पीकर महाराष्ट्र के, यह निर्विरोध चुना जाना अब तय है। आपको बता दें कि तीनों यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे मैदान में और यह पहली बार था जबकि त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब बाकी दोनों यानी कांग्रेस और शिवसेना ने अपने उम्मीदवार पीछे कर लिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे हरिभाऊ बागड़े। उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। हम आपको बता दें शिवसेना की तरफ से विजय आवटी और कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ का नाम उम्मीदवारों में आगे किया गया था स्पीकर के तौर पर, लेकिन दोनों ने ही अपना नाम वापस ले लिया है। 10 बजे तक का वक्त दिया गया था, अगर ये नाम वापस नहीं होते तो उसके बाद वोटिंग होती, लेकिन दोनों ने ही शिवसेना और बीजेपी ने नाम वापस कर लिया, यानी कि विजय आवटी और वर्षा गायकवाड़ का नाम वापस कर लिया गया है। शिवसेना नेता रामदास कदम का कहना है कि शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे ने स्पीकर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार हरिभाऊ बागड़े को समर्थन देने का फैसला किया है। देखिए, शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने हरिभाऊ बागड़े जो खड़े हैं अध्यक्ष के लिए उनको साथ दिया है और हमारे विजय औटी जो अध्यक्ष का फॉर्म जिनका हमने भर दिया था वो फॉर्म हमने फिर से वापस लिया है और विनोद चुन के देने का प्रयास शिवसेना ने शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने किया है। उनका कहना यही है, आज तक यही प्रथा थी कि अध्यक्ष का चुनाव ये विनोद होता था, उसका चुनाव नहीं होता था, तो यही प्रथा परंपरा चालू रखने का प्रयास उद्धव जी ने किया है। हम सब ने मिलकर उनको धन्यवाद दिया है। तो स्पीकर को लेकर जो अड़चन थी वो तो टल गई, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ यानी विश्वास मत में बीजेपी के खिलाफ वोट देने का फैसला किया है शिवसेना ने। अब इस पर क्या कुछ कहना है बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का, ये आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो गतिरोध है वो आपको हम बता दें, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं विरोध में शिवसेना वोट करेगी आज, विश्वास मत हासिल करना है। एक तरह से परीक्षा थी आज फडणवीस सरकार की, लेकिन ऐसे में एनसीपी का समर्थन जो है वो कारगर साबित हुआ,